हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर एक नई सुबह में फिर से मैं आपके सामने हूँ, बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत कीमती चीज लेकर के। सबसे पहले मैं कोटेशन पढ़ेगी जिससे थोड़ा सा आपको एनर्जी मिल जाए। क्या होता है, कई बार गाइस हम बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं और बहुत छोटी चीज करना भूल जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव किसी से कितना असर पड़ता है। एक शब्द आपके जो होते हैं वो कितना असर किसी चीज पे डालते हैं। एक छोटा सा शब्द है प्यार से कहा वाला, वही आपकी जिंदगी को बना सकता है। और वही शब्द यदि आप रूड बोलते हो तो उससे किसी की लाइफ खराब भी हो सकती है, वो डिमोटिलाइज हो सकता है या फिर डिप्रेशन में जा सकता है, या वो किसी प्रकार का ऐसे किसी चीज में उसका मन नहीं लग सकता है। तो क्यों ना हम हर चीज में अच्छे शब्दों को ही फॉलो करो। कहा भी गया है विवेकानंद जी ने कि जिंदगी में ऊंचाई ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं, किसी भी बड़ी डिग्री की, MBA, MCA, जो भी बड़ी डिग्री है उसको लेने की उतनी आवश्यकता नहीं है। केवल अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। अगर आप अपने शब्दों को सोच समझ के तौल के बोलोगे और अच्छे से बोलोगे, किसी को अच्छा लगे, किसी को दिल को अच्छा लगे, वही आपको बादशाह बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी नए थॉट के साथ आज हम फिर शुरू करते हैं अपने बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड, बड़े कीमती। आपको पता है प्लूरल और सिंगुलर क्या होते हैं, बस उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो एवरी लैंग्वेज, क्योंकि हर लैंग्वेज ये में पूछा जाता है कि ये एक ही और ये बहुत सारी चीजें है ना। तो अगर हमको इतना नॉलेज नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। स्पोकन में तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जब हम राइटिंग वर्क करेंगे, रिटर्न में कोई चीज लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, कहाँ वाई हट जाता है, कहाँ एफ हट जाता है। बहुत सारी जगह ऐसी है गाइस कि फिर हम इंग्लिश लिखते समय, स्पेलिंग लिखते समय बड़े फंबल हो जाते हैं और बड़ा समझते हैं कि यहाँ पे हम कैसे लिखे। और फिर जब हमारी राइटिंग को कोई देखता है तो थोड़ा सा अपने आप में भी थोड़ा एकदम बहुत एक अजब सा मतलब हेजिटेशन लगता है कि कैसे हमने इतनी बड़ी गलती कर दी है ना। तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है, जल जाती है, बट उसको सुधारना ही बहुत बड़ी बात है। तो वही सिंगुलर प्लूरल को आज पढ़ेंगे, बिल्कुल बिगनर से पढ़ेंगे, क्या एस होता है, कहाँ एस लग रहा है। तो सिंगुलर प्लूरल प्ले होता क्या है, जैसे हम हिंदी में वचन पढ़ते हैं ना कि नंबर पढ़ते हैं कि एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया है, सेम वैसा का वैसा अगर किसी एक चीज के बारे में हमको बताना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो हम सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं। और नाउन होते हैं ना, जैसे किसी का कोई चीज हो सकती है, किसी चीज को हम देख सकते हैं कि एक टेबल है, दो टेबल है, एक चेयर है, कई चेयर है, एक बच्चा है, कई बच्चे हैं। इस प्रकार से जब इस प्रकार की बातें करना है तो जो बहुत सारा का जो सेंस आएगा उसको हम कहेंगे प्लूरल फॉर्म, है ना। तो प्लूरल फॉर्म में भी बिल्कुल सिंपल नहीं होगा कि सब जगह एस लगा दिया, सब जगह वाई हटा दिया, ऐसा नहीं होता। थोड़े से नियम है लेकिन कोई बड़े नियम नहीं, उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जब हम इतने बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो ये तो छोटी छोटी सी चीजें है ना। तो आज हम उसको देखने चलेंगे बिना देरी किए हुए, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सबसे पहले तो बहुत सिंपल वाला देखती हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको कि जो बिल्कुल बिल्कुल जीरो वाले से शुरू करेंगे कि हमको जहाँ केवल और केवल एस लगाना है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं गाइस जहाँ पे केवल एस लगाने से काम चल जाता है। जैसे देखेंगे बुक का बुक्स हो गया, कार का कार्स हो गया है, और चेयर का चेयर्स हो सकता है, क्लॉक का क्लॉक्स हो सकता है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे चौक का चौक्स हो सकता है, पेन का पेन्स हो सकता है, पेंसिल का पेंसिल्स हो सकता है। इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है, केवल एस लगाने से काम चल जा रहा है ना। मैंने एक तो उदाहरण दिए, बाकी में बातें। अब इन्हीं के बीच में मैं एक चीज और आपको समझाती हूँ कि कई बार आप सेंटेंस बनाओगे, क्योंकि इसके साथ मैं कुछ सेंटेंस भी बनाना आपको सिखाऊंगी, तो आपको सेंटेंस में कैसे चेंज करना है उसको, तो उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो जब किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे तो वहां हम बात करेंगे दिस की, है ना? लेकिन यहां जब हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे तो वहां हम बनाएंगे दीज, these के साथ, है ना। जब कोई पास में कोई चीज है तो वहां पे हम THIS दिस यूज करेंगे, और जब पास में बहुत सारी चीजें हैं वहां हम THESE दीज का यूज करेंगे। और वहीं पे यदि कोई चीज दूर है तो अगर सिंगुलर है तो वहां पे हम दैट यूज करेंगे, और वहीं पे बहुत सारी चीजें हैं वहां पे हम दोज का यूज करेंगे, THAT दैट और THOSE दोज, ठीक है ना। यहां तक ये क्लियर हो गया। अब जब दिस है तो उसके साथ आप इज लगाएंगे सिंगुलर,
और दीज है तो उसके साथ हम प्लूरल लगाएंगे। वहीं पे टॉक अबाउट पास्ट की बात है कि पास्ट में यदि कोई चीज हो रही है या होती है या पास्ट में कोई चीज थी तो हम उसके बारे में दीज के साथ में वॉज लगाएंगे और दीज के साथ में वर लगाएंगे। अभी अपन सेंटेंस में यूज करेंगे उसको धीरे धीरे समझेंगे, है ना। जैसे देखो फिर से आ जाते नाउन पे, हाउस का हो जाता है हाउसेस और टेबल का हो जाता है टेबल्स, चेयर का हो सकता है चेयर, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल वे में। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि थोड़ा सा और मॉडिफाई कैसे किया है। अब जैसे क्या होते हैं नाउन के अंत में, सपोज अगर ये सिंपल नहीं है तो नाउन के अंत में यदि एस लगा है, एस एच लगा है या सी एच लगा है या एक्स लगा है, ठीक है। फिर से ध्यान दो, शब्द के बाद में यदि एस लगा है, एस एच लगा है, सी एच लगा है और एक्स लगा है तो वहां पे हम केवल एस से काम नहीं करते हैं, वहां पे हम ई एस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं वहां पे हम ई एस लगा देते हैं। देखेंगे इधर से बस का हो जाएगा बसेस। देखो यहाँ पे सी एच लगा हुआ है ना, ये सी एच लगा हुआ है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। वॉच का सी एच लगा है तो वॉच से चेज हो गया। फिर बॉक्स का एक्स लगा है तो बॉक्सेस हो गया। ग्लास का ग्लासेस हो गया। फिर ब्रश का ब्रशेस हो गया। फिर फॉक्स का फॉक्सेस हो गया। अब लेकिन ऐसा नहीं है गाइस कि सब जगह यही नियम लगेगा, नियम तो सब जगह लगेगा पर कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं उनको हम समझाते हैं, ठीक है ना। पहले हम ओ वाले शब्दों को ले लें कि अंत में यदि ओ है, जैसे अपन यहाँ पे ऑक्स पढ़ेंगे तो ऑक्सन होगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा बाद में देखती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते। अब गाइस ये तो केवल आपने एस सी एच एक्स डबल एस की बात करी थी, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा आपने ई एस लगाया। लेकिन जहां पे अंत में ओ लगा है किसी शब्द, सब पटेटो टमेटो ये होते हैं ना, तो इनके आगे यदि आपने देखा है कि ओ लगा है तो वहां पर भी हम ई एस लगाते हैं, ठीक है। पहले ध्यान से सुन लो उसके बाद में थोड़ा सा कुछ रिएक्ट करेंगे कि कहां पे क्या है। देखो टमेटो टमेटोस, ठीक है। वॉल्केनो वॉल्केनोस, हीरो हीरोज, मैंगो मैंगोज, ऐसे पटेटो हो जाएगा, वो भी देख लेंगे अभी आगे ना, इसमें देख लेंगे क्योंकि हम इसको समझा चुके हो। तो अब जब आपके सामने ऐसे कोई वर्ड आएंगे तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कुछ अपवाद भी होते हैं कि लास्ट में ओ है लेकिन वहां पर हम नहीं लगा पा रहे हैं ई एस, क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं, तो वहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं गाइस कि हो जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश हो हिंदी है, हर चीज के अपने अपने कुछ रूल्स है नियम्स होते हैं, तो यहाँ पे पहले आपको समझना है कि ये अपवाद है। देखो यहाँ पे किलो में ई एस बिल्कुल नहीं लगाना, एस लगा देना। रेडियो रेडियोस, लोगोस लोगो होते हैं ना, किसी कंपनी का लोगो होता है, किसी स्कूल का लोगो होता है ना, तो ये लोगो होते हैं लोगोस। फोटोज पियानोस, तो यहाँ पे लास्ट में ओ होते हुए भी हम वहां पर क्या नहीं लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको छोटे मोटे चेंज के लिए तैयार है ना, और उसको थोड़ा सा नियम पढ़ने से काम चल जाएगा, क्योंकि इतने सारे नियम है एक ही दिन में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे करते हैं। अब मैं इसको यूज कैसे करना है आपको पहले मैं ये सिखा देती हूँ, ठीक है। तो कैसे यूज करना, अब मुझे लगता है गाइस आप इसको पहले तो आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको थोड़ा सा यूज करके करना सिखाती हूँ कैसे हम उसको अपनी डेली लाइफ में करेंगे, ठीक है ना। अब अपन पहले दिस का यूज करते हैं। देखो जैसे मैंने अभी सिंपल वे में समझाया था आपको, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। तो देखो मैंने कौन सा वाला दिस लगाया, दिस इज अ पेन, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने लगाया है दिस आर पेन्स, दिस आर पेन्स। देखो यहाँ पे इस की जगह में आर भी आया है, यहाँ पे ये वाले दिस की जगह पे दिस भी आया है और यहाँ पे एस लगा दिया है, प्लूरल हो गया। वहीं पे यदि कोई चीज दूर है वहां पे सिंगुलर और प्लूरल है, तो वहां पे मैंने क्या बताया था आपको, दैट और दोज यूज करना। इसको भी यूज करके बता देते हैं अपन, ठीक है। दैट इज अ चेयर, वह एक चेयर है, यह एक चेयर, वह एक चेयर है, ठीक है यहाँ पे। अब यदि हमको दोज का यूज करना है तो टी एच ओ एस, दोज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स,
वो चेयर्स हैं, वो कुर्सियां हैं, ठीक है ना। चले यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब गाइज ऐसे भी वाज और वर्ब में भी हो सकता है ये चीज कल थी, है ना। अब हो सकता है अभी टूट गई होगी, ब्रोक, जो भी हो चुका है, कुछ नाटक हो सकता है। तो कल के लिए क्या बात करेंगे या पहले के लिए क्या बात करेंगे, ये जो पास्ट में कोई चीज हो गई उसके लिए कैसे बोलेंगे। तो दिस वाज अ क्लॉक। सपोज क्लॉक वगैरह कभी खराब हो गई तो दिस वाज अ क्लॉक, ये क्लॉक थी, ठीक ना। यहाँ देखो इस था, यहाँ पे था वाज, ठीक है। थोड़ा सा अंतर आता है, बट जब इतने इतने वर्ड के कारण आपका काल बदल जाता है, टाइम बदल जाता है ना। अब इसके साथ आएंगे दीज वर क्लॉक्स, ये क्लॉक्स थी, ठीक है ना। ये क्या थी, घड़ियां थी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए दीज दैट दोज दीज इज आर वाज वर, ये भी सिंगुलर प्लूरल के साथ पढ़ना जरूरी होता है, इसीलिए गाइस इसको मैंने समझाना उचित समझा। अब हम आगे चलते हैं और नियमों के साथ, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल में कुछ थोड़े नियम ज्यादा होते हैं, उसको ध्यान से समझेंगे। अब नाउन के अंत में यदि वाई लगा हो, ये भी देख सकते हैं कि अगर नाउन है हमारे पास लेकिन उसके अंत में वाई लगा है तो वहां पे कौन सा नियम लगता है। बहुत जगह होता है गाइस बेबी, बेबी में वाई लग जाता है, सिटी स्टोरी, फिर होता है सिटी, फिर लेडी, सिटी डबल से हो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे बाय दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज और आप पहचानिए कि यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। देखो कॉन्सोनेंट लगा हुआ, आर लगा है, टी लगा है, बी लगा है, डी लगा है, ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड है ना, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाई को रिप्लेस करके अपन आई ई एस लगा देंगे, यानी यहाँ वाई लगा हो तो आई ई एस लगा देते हैं, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो बेबी का क्या कर दिया अपन ने, बेबीज, सिटी, देखो बी ए बी वाई, इसको वाई को रिप्लेस कर दिया बी ए बी और आई ई एस से लगा दिया, आई ई एस लगा दिया, बेबीज हो गया, सिटी का सिटीज हो गया, स्टोरी का स्टोरीज हो गया, लेडी का लेडीज हो गया, है ना। यहाँ पे लिख के बताओ, एल ए डी वाई लेडी, एल ए डी आई ई एस लेडीज, बहुत सारी महिलाएं, ठीक है। चले तो लेकिन यदि अंत में वाई लगा भी है लेकिन उसके पहले वाला वर्ड, सपोज यहाँ पे था कॉन्सोनेंट लेकिन यहाँ पे देखो ओ लगा है, यहाँ पे E लग गया है, यहाँ A लग गया है, यहाँ U लग गया है, यदि Y के पहले वाला लेटर क्या आ जाएगा, A I O U से शुरू होता है, मतलब वॉवेल साउंड से शुरू होता है, वॉवेल होता है, तो वहां पे केवल S लगाने से काम चल जाता है ना। बॉय का बॉयज, यहाँ पे लिख के बताती हूँ अच्छे से, B O Y बॉय लगा हुआ है तो B O Y बॉय मीन्स लड़का, तो B O Y S लगाने से काम चल जाएगा, वहां पे आपको आई एस से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। डंकी, डी ओ एन के ई वाई डंकी, तो डी ओ एन के ई वाई डंकीज, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे डंकीज हो गया, फिर डी ए वाई डे, तो डेज हो गया, ठीक है, डेज, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब गाइस आगे के भी देख लें। अब यदि संज्ञा, ये तो मुझे लगता है गाइस यहाँ पे समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पे वॉवेल होता है, बस इसके ज्यादा कोई अंतर नहीं। अब आगे बढ़ते हुए अपन देखेंगे कि यदि संज्ञा के अंत में, मतलब नाउन के अंत में, एंड ऑफ द नाउन एफ लगा हो या एफ ई लगा हो, तो कई बार होता है वाइफ नाइफ पढ़ा है ना, तो ये एफ और एफ ई लगा हो तो उनको रिप्लेस करके अपन क्या कर देंगे, वी ई एस लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझेंगे इसको, मैं थोड़ा ध्यान से दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा चेंज आ रहा है इसमें, है ना। देखो टी एच आई ई एफ थी मतलब हाँ चोर, ठीक है ना, थ्यूज वाइफ में भी एफ लगा है, यहाँ एफ लगा था, यहाँ एफ ई लगा था, यहाँ लिखा है काफ वॉफ नाइफ लाइफ लोफ, है ना। तो यहाँ पे हमारा एफ और एफ ई आ रहे हैं, तो वहां पे हमने इसको हटा के वी एस वाइफ कर दिया, थ्यूज कर दिया, काउस कर दिया, बी डब्ल्यू एल वी एस वॉक्स कर दिया, नाइफ का नाइफ हो गया, लाइफ का लाइफ हो गया, लोफ का लोफ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे
मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ पे अलग ही दिख रहा है ना, PES लगा देना है, ठीक है। इसके बाद और थोड़े से बचे हैं गाइस, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। एक ही वीडियो में लाने से ये थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। सपोज आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ कि सपोज आपको इस प्रकार का लेना है, तो दिस इज अ काफ, दिस इज अ काफ, यहाँ एक बछड़ा है, यहाँ पे एल साइलेंस का काम, साइलेंट का काम करता है ना काफ, यह एक बछड़ा है। दीज आर काउज, काउज, ठीक है, यानी ये बछड़े हैं, ये बछड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस बना करके इसको समझेंगे तो बिल्कुल भी हम गलती नहीं करेंगे और हमको सारे सिंगुलर और प्लूरल बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो गलतियां करते हैं गाइस, अभी मैं जब अपनी ट्यूशन में पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल बेसिक टाइप की गलती करते हैं, बिल्कुल मतलब जो बोलना चाहिए कि जिस गलती को करना नहीं है स्टूडेंट्स ने वही करते, क्योंकि ये बहुत 6th-7th का नॉलेज होता है। तो कोई बात नहीं, गलती हो रही तो सुधरेगी भी, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये इसको सुधारें अभी ही, क्योंकि जब हम लिखने लगते हैं तब हमें थोड़ी प्रॉब्लम लगती है कि तब तो हम एस लगा देते हैं बोलते समय स्पोकन इंग्लिश में, जब रिटर्न वर्क की बात आती है तो हम नहीं लगा पाते। इसलिए गाइस मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि पहले सीखें, समझें और फिर अपने को अप्लाई करना है कहीं पर भी, तो बहुत अच्छे से सीखो। और आई होप गाइस हर चीज, कभी भी कोई चीज बड़ी नहीं हो सकती, हर चीज सीखी जा सकती है एंड यू कैन डू इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ नए नियम के साथ प्लूरल लेकर के आएंगे और इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं, दूसरों को भी शेयर करें ताकि लोग भी उसका फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।